हेलो व्हाट्सअप गाइस, नुजीटूब हियर। सो ये वीडियो एक फॉलोइंग वीडियो है प्रीवियस वीडियो की। अगर तुमने ये वीडियो देखी नहीं रहेगी तो एक बार देख लो और फिर ये वीडियो देख लेना। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, ये स्पॉइलर वाली वीडियो है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ द डिसअपीयरेंस ऑफ हारुही सुजुमिया की मूवी के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी की टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग, मैंने वो लास्ट वाला जो डिसअपीयरेंस ऑफ हारुही सुजुमिया नहीं देखी थी, और उसके बेसिस पे मैंने ये एनिमे सीरीज़ के ऊपर रिएक्ट किया था, क्योंकि वो एक एनिमे सीरीज से और ये मूवी है। मूवी जब मैंने देखी तो ऑलमोस्ट सारी जो 28 एपिसोड की जो पूरी बातें थी सेंस बनाने लगी, असाइड फ्रॉम द 8 एपिसोड्स, वो उसके कोई सेंस नहीं था, वो स्किप ही कर लो। सच्ची बताऊँ, टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट, ये पूरी जो सीरीज़ है ये एक लास्ट के मूवी में सेंस बना रही थी, एंड फेयरली ऑनेस्ट टू बी ये एक्चुअल में सेंस बना रही थी, क्योंकि पूरे एनिमे सीरीज में हारुही मोस्ट ऑफ द टाइम एनोइंग ही रहती है, और हमें मूवी देखने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल में ये कैसा रहता है और पूरी स्टोरी लाइन कैसी रहती है। इस मूवी के बारे में मुझे एक बात मैंने नोटिस की कि जब भी नॉर्मल केस मुझे लगता है 15 या 16 दिसंबर रहती है, 17 दिसंबर के बाद से पूरा वो स्ट्रक्चर चेंज होता है और एनिमे का जो सीन्स भी रहते हैं वो डिसैचुरेटेड दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ द एएमवीज हम बनाते हैं, कोई भी सैड एएमवी बनाते हैं तो कलर्स काफ़ी डिसैचुरेटेड यूज़ करते हैं हम। कहने के बात थी ये थी कि मतलब इमोशंस थे वो ब्लेंड इन हो रहे थे सीन्स के रिलेटेड, और लास्ट में जाके आखिर में एक सेंस बनाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सबसे फेवरेट मूवी थी, मतलब इन शॉर्ट ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ के बारे में बोला जाए। वैसे योर नेम और बाकी सारे भी है, लेकिन ये भी उतनी ही लेवल की है, क्योंकि फाइनली लास्ट में जाके ये सेंस बनाती है, क्योंकि सीरीज़ में ऑलमोस्ट पहली तो एनोइंग ही दिखाई गई है। ओटाकूस इतना इस एनिमे सीरीज़ को या फिर जो कैरेक्टर है हारुही सुजुमिया को, इसे इतना मतलब अप्रिशिएट क्यों करते हैं और इस एनिमे को एनकरेज क्यों करते हैं, इस बारे में पता चल जाता है। इस लास्ट वाली जो सीरीज़ रहती है मूवी में, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो एस्पर से रिलेटेड, जो एंड्रॉयड एलियन रहती है उसके रिलेटेड, टाइम ट्रैवलर रहती है, क्योंकि पहली बार ऐसा ही है ना, इट्स क्लासिफाइड नहीं बोलती है, पूरा ऑल आउट हो जाती है, मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन मार्क्स हमें एज अ व्यूअर देखने को मिलते हैं वो सारे लास्ट के मूवी में रिवील हो जाते हैं। क्या तुम्हें ये लास्ट की डायरेक्ट मूवी देखनी चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पूरे एनिमे सीरीज़ देखनी पड़ेगी, वो तुक बननी पड़ेगी जो मूवी देखने के टाइम रहेगी, और मूवी फाइनल कंक्लूड हो जाती है उस एनिमे सीरीज से रिलेटेड। इस मूवी का जो एंडिंग है वो काफ़ी सीरियस नोट पे होता है, क्योंकि वो एक चॉइस रहती है, जो मेन कैरेक्टर रहता है क्योन, उसको एक चॉइस लेनी पड़ती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनिमे सीरीज़ के ऊपर उसकी नरेशन देखते हैं, उसका ही पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो हारुही के से रिलेटेड डिसएग्री ही रहता है, लेकिन लास्ट के टाइम पे उसे एक चॉइस लेनी पड़ती है कि उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है या फिर एक इंटरेस्टिंग लाइफ जीनी है जिसमें एलियंस एस्पर और टाइम ट्रैवलर्स रहेंगे। और ये मोमेंट काफ़ी हिट होता है एज अ व्यूअर, क्योंकि ये एनिमे हमें कन्वे करना चाहती है कि तुम्हारी लाइफ की चॉइसेस तुम्हारे ऊपर ही है, एट द एंड तुम किस लाइफ चॉइसेस को एक्सेप्ट करते हो और तुम कैसे जीना चाहते हो उसी तरह से तुम आगे जाके बनोगे। लास्ट के एंडिंग में हमें एक काउंटर पार्ट दिखाया जाता है क्योन का, जो उसे फोर्स करता है कि तुम्हें एक चॉइस लेनी है और तुम्हें जो भी कुछ करना है एक चॉइस लेके उसी के साथ जीना है। तुम लोग ये एनिमे देखोगे तो तुम्हें पता ही चलेगा, क्योंकि मैं ऐसे बोलने से कुछ तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन
कि मेरा कहने का मतलब यही है कि एट द एंड ये एनिमे काफ़ी एक सीरियस नोट पे एंड होती है। मोस्ट ऑफ द एनिमे सीरीज अभी आगे जो दिखाई रहती है, मोस्ट ऑफ द एनिमे सीरीज जो 28 एपिसोड का जो सब सीन दिखाया, वो फाइनली आके कंक्लूड करता है ऑन अ सीरियस नोट। अगर मैं पहले वीडियो से रिलेटेड इस मूवी के बारे में बोलूँगा तो ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं थी, क्योंकि फाइनली ये कंक्लूड हो जाती है। तो तुम्हें ये ज़रूर देखनी चाहिए ये मूवी एनिमे सीरीज को देख के, क्योंकि एनिमे सीरीज से बिना देख के अगर तुम डायरेक्टली मूवी देखोगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगी। और यस, तो काफ़ी फाइनली इतने 28 एपिसोड देख के मेरे को सेटिस्फाइंग एक एंडिंग मिला है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और जितने भी मैंने इंस्टाग्राम पे बोले, एक जन को बोला है कि ये बोरिंग है, ये बोरिंग नहीं है, फाइनली मतलब वो 8 वाला एपिसोड तो बोरिंग है, लेकिन फाइनली आगे जाके तुम्हें एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलेंगे। और स्लाइस ऑफ लाइफ आई थिंक ऐसे ही रहती है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को रिकमेंड किया है, तब से मैं स्लाइस ऑफ लाइफ ही देखता हूँ। और मैं पहले काफ़ी शोनिन की तरफ ही देखता था, क्योंकि शोनिन में एक्चुअली कैरेक्टर प्रोग्रेस होते हैं, और वेरेज स्लाइस ऑफ लाइफ में ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं रहता है, वेरेज वो एक्चुअल सिचुएशन या फिर जो लाइफ के जो मोमेंट, प्रेशियस मोमेंट रहते हैं, उसके तरफ एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने का एक चांस मिलता है एक इस एनिमे को देख के। और ये एनिमे काफ़ी पॉपुलर थी कुछ कुछ सीरीज़ में, लकी स्टार ने तो एक पूरा ओपनिंग बनाया है और बहुत सारे हिडन ईस्टर एग्स डाल के रखे हैं इसमें, हिडन ईस्टर एग्स या फिर कोई कैमियोज ऐसे डाल के रखे हैं। सो या दैट्स इट, यही मेरा रिएक्शन था। अच्छा हुआ ये एनिमे स्कूल डेज की तरह नहीं निकली। तो अगली बार मिलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। Until we meet next time, Snoozy Tube, ciao.